हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का रूट वर्ड का एक्सप्लेनेशन पे यह वीडियो नंबर 20 है और इससे पहले 19 वीडियो को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग जिस रूट वर्ड को देखेंगे वह है आर्ट, जिसका मतलब स्किल या क्राफ्ट होता है। और सारे वर्ड जो लिया गया है यह मनीषा बंसल मैम के बुक से लिया गया है। चलिए आज के वीडियो के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो वर्ड देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ड प्रीवियस डे में जो हम लोग रूट वर्ड डिस्कस कर रहे थे ARIUM एरियम या ओरियम या अरे ARY, तो जिसका मतलब ये प्लेस फॉर होता है, तो इससे कुछ वर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड जो है ART उससे वर्ड को समझेंगे। तो चलिए आज यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लेते हैं। आज का पहला वर्ड है सोलेरियम। यहाँ पे SOL सोल मतलब हो गया सन और एरियम मतलब ए प्लेस फॉर। अब दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग तो सिंपली ये नहीं बोल सकते कि जहाँ पे सन रखा जाता हो, तो इसको इस तरीके से आप रिलेट कीजिए, जहाँ पे सन लाइट पहुँच पाता है उस प्लेस को क्या बोलेंगे, सोलेरियम। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से आपको यह क्लियर हो जाएगा, ए रूम और पोर्च एक्सपोज टू द सन उस प्लेस को क्या बोलेंगे, सोलेरियम। दैट मीन्स जिस रूम और पोर्च पे डायरेक्ट सन के एक्सपोज में हो, दैट मीन्स इसका मतलब कि वहाँ पे सन का डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सोलेरियम। नेक्स्ट वर्ड है टेरारियम। तो यहाँ पे TERRA, टेरा मतलब हो गया लैंड और एरियम मतलब ए प्लेस फॉर, और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया ए प्लेस फॉर कीपिंग स्मॉल लैंड्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब छोटे लैंड और लैंड एनिमल्स और प्लांट के रखने का जो प्लेस है उसको क्या बोलेंगे, टेरारियम। तो यहाँ से ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा, टेरारियम मतलब हो गया ए प्लेस फॉर कीपिंग स्मॉल लैंड एनिमल्स एंड प्लांट, लैंड एनिमल या लैंड प्लांट्स जो छोटे हैं उसको रखने का जो प्लेस है उसको क्या बोलेंगे, टेरारियम। नेक्स्ट वर्ड है विवारियम। तो यहाँ पे विव मतलब हो गया लिविंग और एरियम मतलब हो गया ए प्लेस फॉर, और इसका मतलब होगा एन इंडोर प्लेस फॉर कीपिंग लाइव एनिमल एंड प्लांट्स, लाइव एनिमल और प्लांट के रखने का जो इंडोर प्लेस है उसको क्या बोलेंगे, विवारियम। और या और हम लोग जब VIV रूट वर्ड से करें वर्ड को रूट वर्ड पे पहुंचेंगे तो वहां पे भी आपको VIV से कई सारे वर्ड मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। VIV मतलब हो गया लिविंग, तो विवारियम मतलब क्या हो गया, अ इंडोर प्लेस फॉर कीपिंग लाइव एनिमल एंड प्लांट। चलिए अब नेक्स्ट रूट वर्ड ARTE से वर्ड को देखते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे ARTE से आज का पहला वर्ड है आर्ट, और आर्ट मतलब क्या होता है, स्किल या क्राफ्ट, यहाँ पे जैसे रूट वर्ड से आपको पता चल गया होगा। अब जो यहाँ से वर्ड बनेंगे वह आपकी इजिली स्किल्स या क्राफ्ट से अगर रिलेट करेंगे इजिली रिलेट हो जाएगा। आर्ट मतलब स्किल, दैट मीन्स द यूज ऑफ इमेजिनेशन टू एक्सप्रेस आइडियाज और फीलिंग्स पर्टिकुलरली इन पेंटिंग ड्राइंग और स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला जो होता है, मूर्ति बनाने का कला। जब भी इमेजिनेशन का यूज किया जाता है आइडिया और फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट मीन्स वह क्या है, आर्ट है। और पार्टिकुलरली इसको हम लोग स्पेशली इस सेंस में करते हैं कि पेंटिंग जो है, इमेजिनेशन से पेंटिंग बनाना, ड्राइंग बनाना या मूर्ति बनाना, तो इन सब को भी क्या बोलेंगे, आर्ट है। दैट मीन्स अगर इसका हिंदी बोले तो कला या कौशल। नेक्स्ट वर्ड है आर्टफुल, और यह भी रूट वर्ड आर्ट से बना हुआ है, जिसका मतलब स्किल होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया स्किल टू गेट वाट एवर यू वांट स्किलफुल। तो आर्टफुल को अगर इसका एक्सप्लेनेशन को समझे तो जो कुछ भी कोई चाहता है उसको पाने के लिए जो स्किल, जो ट्रिक बोलिए, जिस चीज़ का यूज करता है, चालाकी जिस चीज़ का करता है उसको बोलेंगे आर्टफुल। और इसका हिंदी से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, आर्टफुल मतलब हो गया धूर्त या कपटी, और इसका सैनोनिम्स क्या हो गया, क्राफ्टी, क्लेवर और कनिंग, और इसका एंटोनिम क्या हो गया, अनस्किलफुल। अब यहाँ से इस वर्ड को और आप इस सेंस में एक्सप्लेनेशन से रिलेट कर लीजिए।
आर्टफुल उसे बोलेंगे जो कुछ चाह रहा है कोई भी, और उसको पाने के लिए वह जिस स्किल का, जिस ट्रिक का, जिस चालाकी का यूज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टफुल। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर पाएंगे, दैट मीन्स धूर्त या कपटी। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफैक्ट, और यहाँ पे कई बार आपको आई और कई बार ई मिलेगा आर्टिफैक्ट के स्पेलिंग में, दोनों सही है। आर्ट मतलब स्किल और एफ ए सी मतलब होता है टू मैक। कई बार आपको एफ आई सी भी मिलेगा तो उसका मतलब भी टू मैक होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, समथिंग दैट इज मेड बाय अ पर्सन, जो भी चीज़ किसी पर्सन के द्वारा बनाया जाता है स्किल से, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफैक्ट। और इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? हैंडीक्राफ्ट। और स्पेशली यह किसी कल्चर जो चलते आ रहा है, उस कल्चर को बनाया जाए किसी पर्सन के द्वारा, या कोई इतिहास का कोई रुचि वाला विषय है, कुछ भी है इतिहास का रुचि वाला, उसको किसी पर्सन के द्वारा बनाया जाए तो उसको बोलेंगे आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिस। तो यहाँ से आर्टी मतलब स्किल एंड फिक मतलब अगेन टू मेक। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, द क्लेवर यूज ऑफ ट्रिक्स टू चीट समबडी, किसी को चीट करने के लिए जिस तरीके का ट्रिक को यूज किया जाता है, जिस तरीके का स्किल बनाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिस। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। किसी को चीट करने के लिए जो ट्रिक, जो प्लान बनाया जाता है, जो स्किल यूज किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिक्स। और इसका फिर साइनोनिम्स क्या हो गया? कनिंग और गिमिक। और एंटोनिम हो गया ऑनेस्टी, कैंडर और फ्रैंकनेस। और ये वर्ड आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक इससे रिलेट हो रहा है। यहाँ पे भी किसी चीज़ को कुछ, जो भी कोई कुछ चाह रहा है, उसको पाने के लिए जिस तरीके का स्किल को यूज कर रहा है, उसको आर्टफुल बोलेंगे। और आर्टिफिस मतलब हो जाएगा कि किसी को चीट करने के लिए जो क्लेवर ट्रिक यूज किया जाता है, उसको आर्टिफिस बोलेंगे। और इसका साइनोनिम्स दोनों का लगभग यहाँ पे जैसे कनिंग है, यहाँ पे क्या आ गया? धूर्त के सेंस में दोनों। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्ट मतलब स्किल और फिक मतलब हो गया टू मेक। और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, टू मेक ए कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल बट नॉट रियल, यानी किसी भी नेचुरल थिंग का कॉपी करना, कॉपी उसका बनाना, नकल करना, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। दैट मीन्स वह मैन मेड है। आर्टिफिशियल क्या हो गया? मानव निर्मित किसी भी नेचुरल चीज़ का, कोई भी नेचुरल चीज़ है, उसको मानव द्वारा बनाना, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। दैट मीन्स उसका कॉपी किया है। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो गया? फेक। दैट मीन्स ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्या हो गया? कोई भी जो नेचुरल थिंग है वह ओरिजिनल हो गया, और जो उसका नकली जो बनाया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? फेक। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल, और हिंदी बोले तो कृत्रिम। आई होप ये वर्ड को भी आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिसन। तो आर्ट मतलब क्राफ्ट या स्किल, और यहाँ पे एसएन सफिक्स है। तो यहाँ पे ये वर्ड का भी मतलब आपको क्राफ्ट या स्किल से ही रिलेटेड होगा। दैट मीन्स ए पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क बाय हिज और हर हैंड्स, यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जो कोई स्किल्ड वर्क कर रहा है अपने हाथों से, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिसन। और इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्राफ्ट्समैन, और हिंदी में बोले तो कारीगर। तो यहाँ से ये वर्ड को भी आप इजीली रिलेट कर लेंगे रूट वर्ड से, जो स्किल है किसी के पास किसी चीज को अपने हाथों से करने का, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिसन। और इसका साइनोनिम्स क्राफ्ट्समैन, और हिंदी कारीगर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आर्टलेस। आर्टलेस मतलब स्किल नहीं होगा। आर्ट स्किल और लेस का सेंस क्या आता है? कि जिस चीज, जो भी वर्ड यहाँ पे है, उसका कमी होना लेस में। दैट मीन्स स्किल का कमी है, तो वर्ड से पता चल रहा है। अगर स्किल का कमी है तो उसमें स्किल नहीं है। दैट मीन्स मेड विदाउट स्किल और आर्ट, यानी विदाउट स्किल या आर्ट का कोई भी चीज़ बनाया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टलेस। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ तक आज के वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है एस्ट्रो या एस्टर।
इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, और अभी तक का रूट वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।